उड़ना पसंद है, हमें गिरना पसंद है, ठहरना नहीं हमें घूमना पसंद है। अम्मा गणी साहब पधारो मारे देश। मेरे बदले हुए लैंग्वेज से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं राजस्थानी कल्चर से जुड़े हुए कुछ प्लेस को। फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चोखी हवेली को, जो कि आपके ही शहर नोएडा में है। यहाँ आने के बाद आपको राजस्थानी कल्चर का एक ऑलमोस्ट झलक मिलने वाली है, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही औसम है। फ्रेंड्स, चोखी हवेली के अंदर आपको खाना, चौपाल पार्टी, जादू, कुछ गेम, फोक डांस, कुम्हार की कला, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और इसका टिकट प्राइस है 500 रुपीज पर पर्सन, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है और खाने के साथ। अब हम अंदर आ गए हैं, ये है इसका ओवरऑल लुक। यहाँ पर फिश स्पा भी है, 100 रुपीज पर पर्सन फिश स्पा के लिए है। और बहुत सारे मज़ेदार गेम्स भी आपको यहाँ पे देखने को और खेलने को मिलेंगे। और ये सारे गेम्स चार्जेबल है, 50 रुपीज पर गेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये मनमोहक गेम्स को खेल करके। यहाँ 50 रुपये में 5 रिंग्स आपको देते हैं, और रिंग्स जिस भी चीज़ पे जाएगी वो चीज़ आपकी। और यहाँ पे 5 से 3 रिंग्स मैंने फेंके, एक भी चीज़ मेरे को नहीं मिली। और राधे ने एक रिंग डाला, उसके अंदर इनको एक जीरा सोडा का बॉटल, ये जीत गए। फ्रेंड्स, आप या आपके बच्चे अगर निशाना लगाने के शौकीन हैं तो यहाँ पे आकर के ये गेम जरूर खेलें। और यहाँ पे एकांश पैरट के साथ मस्ती करता हुआ, पैरट वैसे भी इसका फेवरेट है। बट फ्रेंड्स, आई मस्ट टेल यू, ये कोई नॉर्मल पैरट नहीं है, ये भविष्य बताने वाला पैरट है, तो इसके अंदर ज्योतिष विद्या भी है। तो दोस्तों, अगर आप अपने शहर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं और कुछ नया चेंज चाहते हैं, तो वीकेंड पे आप चोखी हवेली ज़रूर आएँ। इसके अंदर राजस्थानी कल्चर का सारा टच है और बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पे आएंगे अपने फैमिली और बच्चों के साथ, तो आप सब लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मन्नत ने फिर से एक नया दोस्त बनाया, ये हर जगह एक नया फ्रेंड बना कर के जरूर आता है। और अगर आप राजस्थानी फोक डांस के शौकीन हैं तो यहाँ पे जरूर आए। आप यहाँ पे आकर राजस्थानी फोक डांस एंजॉय कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं अपनी फैमिली और बच्चों के साथ। मैंने और एकांश ने तो बहुत ज़्यादा डांस किया और बहुत इंजॉय किया, और एकांश के पापा हमारा वीडियो शूट कर रहे थे। मुझे राजस्थानी कल्चर बहुत पसंद है और उसके साथ राजस्थानी डांस भी बहुत पसंद है, तो मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं इसको बहुत इंजॉय करना स्टार्ट कर देती हूँ।
यहाँ पर राजस्थानी फोक डांस का शो भी होता है जिसके अंदर ये डांसर्स अलग अलग स्टंट करते हुए दिखाई देती हैं, जैसे वो लोग कील के ऊपर डांस करते हैं, कांच के ऊपर डांस करते हैं। तो ये बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था और मैं तो बहुत ज़्यादा शौक में थी ये सब देख के कि क्या रियली में ऐसा कोई कर सकता है। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर डांस कर रही हैं किल के ऊपर और उनके फेस पे फिर भी स्माइलिंग था। यहाँ पे आने के लिए आप बाई बस या कैब से आ सकते हो या फिर आप मेट्रो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है नोएडा सेक्टर 34 एंड नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन। फोक डांस एंजॉय करने के बाद अब हम आ गए चौपाल पार्टी एंजॉय करने। यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी राजस्थानी गांव की तरफ फील हो रहा था क्योंकि वो लोग वैसे ही खाट वगैरह बिछाए हुए थे, तो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे आके। आप भी एक बार अपने फैमिली एंड बच्चों के साथ यहाँ पे आइए, बिलीव मी आप यहाँ पे आकर के बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। अब हम आगे लाख की चूड़ियाँ लेने के लिए। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने बहुत ढेर सारे लाख की चूड़ियाँ खरीदी। ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन था, आप देख सकते हैं वीडियो में। लाख की चूड़ियाँ चार्जेबल है, यहाँ पे इसको खरीदने के लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है, जो गेट पे आपने दिया उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं है। अब हम आ गए हैं ज्योतिष विद्या की तरफ। अगर आप भी अपने भविष्य के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पे आकर के आप अपना हाथ दिखा सकते हैं। अब हम आ गए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के लिए, वो है हेड मसाज। आप पार्लर में जाके हज़ारों रुपए खर्च करके हेड मसाज कराते हो, यहाँ पे उसी 500 के अंदर ये फैसिलिटी भी है, आप हेड मसाज करा सकते हो। आप देख सकते हो राधे कितना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही रिलैक्सिंग हेड मसाज दिया था भैया ने। यहाँ पे आकर के आप मेहंदी भी लगवा सकते हो, आप देख सकते हैं दीदी पूरा घूंघट करके कैसे बहुत ही सुंदर मेहंदी लगा रही हैं। तो यहाँ पे फेस रीडिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आपका फेस देख करके आपका भविष्य और भूत सब कुछ बता देते हैं पंडित जी। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव है और आप इसको मानते हो तो आप यहाँ पे आकर के जो कुछ भी जानना हो आप यहाँ पे आकर के जान सकते हो। अब बारी है कुछ जादू देखने की। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हो सकता है किसी भी बच्चे के लिए। ये भैया बहुत इंटरेस्टिंग जादू दिखा रहे थे और हमने तो बहुत इंजॉय किया। आई एम श्योर अगर आप भी अपने बच्चों के साथ आओगे तो वो इसको बहुत इंजॉय करेंगे और उनको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ आप देख सकते हो बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल कितना हाई है।
ये जादू इतना इंटरेस्टिंग था कि देखते ही देखते भैया ने एक कॉइन को दो कॉइन बना दिया। उसके बाद जाने कहां से वो राधे के टी शर्ट के अंदर चला गया और जब उन्होंने उसको खींचा तो इनके टी शर्ट के अंदर से दो कॉइन्स निकले। तो यहाँ पे जितने भी मेंस वुमेन्स एंड बच्चे थे उन लोगों ने ये मैजिक को बहुत इंजॉय किया, सबको खूब मज़ा आया और सब खूब ज़्यादा यहाँ पे आकर के हंसे। ये जो चीज़ है वो करके मुझे बहुत मज़ा आया, वो है कुम्हार की कला। मिट्टी के बर्तन अपने हाथों से बनाना मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये काम मैं कभी करूँगी और इस काम को करके मुझे बहुत मज़ा आया। राधे भी ट्राई करेंगे और फाइनली इन्होंने भी एक मटका बना ही लिया। ये जो पार्ट था वो सबसे इंटरेस्टिंग था, वो है कठपुतली का डांस। ये मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, ये पहली बार मैंने देखा और ये इतना मज़ा आ रहा था इसको देखने के बाद। आई मस्ट से एक बार आप यहाँ पे आओ, आप डेफिनेटली बहुत इंजॉय करेंगे। एक दौर के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। शाम से रात हो गई लेकिन फिर भी अभी कई एक्टिविटीज़ बची थी तो हमने खूब इंजॉय किया। आप भी अपनी फैमिली को लेकर के यहाँ पे आएँ और इन्जॉय करें। तब तक आप बने रहें मेरे ब्लॉग में और मेरे ब्लॉग के थ्रू इस प्लेस को इन्जॉय करें। तो दोस्तों ये कठपुतली का डांस आप ज़रूर इन्जॉय करिएगा हमारे साथ, लेकिन थोड़ा रुकिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि और भी नए इंटरेस्टिंग प्लेसेस को आप हमारे साथ एक्सप्लोर कर सकें और हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ये यहाँ पे बहुत ही टेस्टी चीज़ हमने ट्राई की जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो है जलजीरा। और यहाँ पे बाइस्कोप भी है और जिसका चार्ज है 13 रुपीज। दोस्तों यहाँ पे आकर के आप कैमल राइड भी इंजॉय कर सकते हो, इसके चार्ज है 100 रुपीज पर पर्सन। इसके बाद आप पूरा राजस्थान का फील इससे ले सकते हो। तो खूब सारी मस्ती एंड धमाल के बाद अब हम जा रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, वो है हमारा खाना। यहाँ का खाना खाने का स्टाइल बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम प्योर तरीके से नीचे बैठ के टेबल के साथ और पूरा राजस्थानी खाना यहाँ पे आपको सर्व करते एकदम डूबा हुआ। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इतने सस्ते में इतनी सारी डिशेज इसके अंदर, दाल बाटी चूरमा पनीर राजमा नॉन
तवा रोटी और भी इतनी सारी चीज़ें हैं तो जिसका तो मुझे नाम भी नहीं याद है। तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि इतनी कम प्राइस में इतनी सारी चीज़ें आप कहीं पे भी इंजॉय कर सकते हो। सो बहुत सारी मस्ती एंड एंजॉयमेंट के बाद अंधेरा बहुत हो चुका था, रात बहुत हो चुकी थी, तो अब हम जा रहे हैं घर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर हाँ तो इसे अपने नियर एंड डियर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी यहाँ पे आकर के एंजॉय कर सकें। आपको कौन सी एक्टिविटी पसंद आई मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक खुश रहिए और लाइफ को खुल के एंजॉय करें।